सोलापुर गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था। उसकी एक चिकन शॉप थी और वह बहुत ही चालाक था, जो शाम को चिकन बच जाता था वह वहीं अपने फ्रिज में रख देता और अगले दिन उसी को निकालकर बेच देता था। रामू, तुम्हारी दुकान का मीट बहुत ही खराब है, मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम फ्रिज में कई दिनों का सामान रखते हो और गांव वालों को पागल बना। सभी को जय श्री राम, मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हैं अक्षय जतन चैनल। तो लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नई वीडियो। आज की वीडियो काफी बेहतरीन होने वाली है। बेहतरीन इसलिए होने वाली है, हमने ये वीडियो बनाई है अपने फोन से बनाई है, और किस तरह से हमने ये वीडियो ने सारे आर्टिकल हमने इसमें यूज करे हैं, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, हमारे ड्राइव में है, जो आपको सारा आर्टिकल मिल जाएगा। ना कोई पासवर्ड लगा रखा है, ना कोई हमने लॉक लगा रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसी आर्टिकल को यूज करके आप भी अपनी बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन तरह आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बनाई है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने कैन मास्टर ओपन कर लिया। कैन मास्टर को हमने रेशियो ले लिया इस तरह से, ठीक है। तो कैन मास्टर हमारा ओपन हो चुका है। हम सबसे पहले लेंगे अपना बैकग्राउंड, ठीक है। चिकन शॉप का बैकग्राउंड बना लेते हैं हम सबसे पहले, जो चिकन शॉप का बैकग्राउंड हमारा। हम अपने जाएंगे डाउनलोड में हम चिकन शॉप का हमारा सारा मटेरियल लगा हुआ है। जो भी हम मटेरियल यहाँ पर यूज़ करेंगे वो आपको सारा हमारे लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब लेयर्स पे जाएंगे अब चिकन शॉप का ले लेंगे आइटम्स। ये हमने एक बैकग्राउंड ले लिया है, ये बैकग्राउंड भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा सारे बैकग्राउंड, ठीक है फ्रेंड्स। ये ले लेंगे हम, एक ये ले लेंगे, ठीक है। एक ये टेबल ले लेंगे और एक ये टेबल ले लेंगे। दो तीन आइटम ले लिए हमने, तो इनको हम साइड में रखेंगे फिलहाल। इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से साइड में रखेंगे और इस तरह से इस शॉप को यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये चिकन शॉप हो गई और हमारा ये टेबल है, इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। और ये चिकन की प्लेट है, इसको हम छोटा करके बाउल को यहाँ रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ आने के बाद हम अपना कैरेक्टर लेंगे। कैरेक्टर हमने बना रखा है, कैरेक्टर हम आपको बनाना सिखाएंगे किस तरह से आप कैरेक्टर बना सकते हो, ठीक है। हम डाउनलोड पर जाएंगे और डाउनलोड पर अपना कैरेक्टर लेंगे। ये हमारा कैरेक्टर है, एक ये कैरेक्टर ले लेंगे। ये कैरेक्टर को पहले हम क्रॉप करेंगे, इस तरह से क्रॉप कर लिया हमने, ठीक है। और इसको इनेबल कर देंगे। ये कैरेक्टर भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, इसलिए इसको भी हमने यहाँ से क्रॉप कर दिया और क्रोमा की कर देंगे यहाँ से हम, ठीक है। ये कैरेक्टर को आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। अब इसको कर देंगे मैं बैक टू बैक लेके आएंगे, पहले बैक टू फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। बैक टू फॉरवर्ड कर देते हैं इसको, बैक टू फॉरवर्ड हो नहीं रहा तो पहले इसको डिलीट करते हैं हम। इसको दोबारा लेके आएंगे, बैक टू फॉरवर्ड हमारा हो नहीं रहा तो हम इस टेबल को डिलीट करेंगे। इस टेबल को डिलीट करने के बाद हम इस कैरेक्टर को यहाँ पर लगाएंगे। इस टेबल कैरेक्टर को अब हम लेंगे अपना टेबल, जिस टेबल पे हमारा कैरेक्टर खड़ा होगा। ये हम टेबल हमने ले लिया, ये हमारा कैरेक्टर खड़ा होगा, यहाँ पर हमने टेबल ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा टेबल पे कैरेक्टर खड़ा कर दिया हमने। इतना करने के बाद आपको सबका टाइमलाइन एक कर देना है। जो भी आपने कैरेक्टर लिया होगा उसका टाइमलाइन आपको एक कर देना है, और ग्रीन स्क्रीन की आपको वॉइस कम कर देनी है। सबकी टाइमलाइन हम बढ़ा देंगे, तो इस तरह से ये टाइमलाइन हमने सबकी सेम एक जैसी कर दी हमने, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम स्प्लिट कर देंगे, हमारे कैरेक्टर को स्प्लिट कर दिया, देख सकते हैं हमारे। तो हम देख सकते हैं किस तरह से हमारी वीडियो बनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमारी ये वीडियो बनी है। हम इसको मिक्सर पर जाके वॉइस को कम कर देंगे, ठीक है। ये वॉइस को हमने कम कर दी यहाँ से, इस तरह से हमने डाउनलोड कर लेंगे इसको। ये हमारा डाउनलोड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। डाउनलोड करने से पहले हम अपना एक और कैरेक्टर यहाँ पर प्लेस कर देते हैं।
वो प्लेस आप बाद में प्लेस कर सकते हो या अभी भी प्लेस कर सकते हो। हम अभी हम पहले प्लेस कर देते ये वाला, ठीक है। कौन सा वाला है देख लेते हैं हम। दो कैरेक्टर बना रखे हमने, तो ये वाला कैरेक्टर को हम डिलीट कर देंगे। इसकी वॉइस हम कम कर देते पहले, ताकि आपको वॉइस सुनाई ना दे, ठीक है। अब इसको आप क्रॉप कर लेते थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक क्रॉप कर लिया हमने इसको। दोबारा क्रॉपिंग कर लेते इतना, ये हमने क्रॉप कर लिया। अब इसको अनेबल कर देंगे क्रोमा की से, ये क्रोमा की से अनेबल कर दिया हमने। इतना हमें अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर इसको खड़ा कर देना है, ताकि ये इससे बहस कर रहा है इस तरह से लगे, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर स्प्लिट कर देना है। ये कैरेक्टर हम आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे ये भी हम बता देंगे। ये हमने इस तरह से ये बहस कर रहा है अपने दुकानदार से चिकन के खराब होने को लेकर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैं सेव कर लेता हूँ इसको फिलहाल, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से सेव करना है और किस तरह से आपको करेक्टर बनाना है। अब हम चलेंगे क्रोमा टूल पे। ये हमने क्रोमा टूल खोल लिया है, ये हमने इस तरह से ओपन कर लिया है। अब हम सारे करेक्टर अनेबल कर देंगे, इस तरह से अनेबल कर देंगे, ठीक है। अब एक करेक्टर लेंगे हम, इसी में करेक्टर मिल जाएगा विलेज मैन का, ठीक है। पहले तो हम इसको लेंगे जो हम बात कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है, उस वाले टॉकिंग को लेंगे, ठीक है। ये वाले टॉकिंग को ले लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। ये टॉकिंग सेकंड नंबर की टॉकिंग वाले ले लिया हमने, ये हमने टॉकिंग वाला ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से ले लिया। अब इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे ग्रीन स्क्रीन पर जाकर, इस तरह से जाकर ग्रीन स्क्रीन लोगे आप, इस तरह से ग्रीन स्क्रीन पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला कैरेक्टर आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना करने के बाद आपको एक और कैरेक्टर, एक और यही कैरेक्टर को आपको क्या करना है, अपने प्लस के ऑप्शन पर जाएंगे और वॉकिंग वाला वो देंगे, इसको थीम देंगे, वॉकिंग वाला कैरेक्टर देंगे इसको, जहाँ ये चल रहा है, चलकर शॉप पर आएगा। ये वाला भी आपको रिकॉर्ड कर लेना है। ये दोनों आपने रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद यहाँ से कट करेंगे। अब हम जाएंगे अपने काइन मास्टर पर दोबारा, ये काइन मास्टर हम दोबारा ओपन कर लिया। अब हम लेंगे अपना मॉर्निंग वाला सीन जो हमने बनाया था, स्टार्टिंग का, जो स्टार्टिंग का होता है वो सीन बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे वो भी हम डाउनलोड पर जाएंगे अपने, डाउनलोड पर हमारा सारा आइटम्स है, ठीक है। इस तरह से जाएंगे हम और नीचे हमारा जो सारा आइटम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ले सकते हो। पहला ये ले लिया हमने आइटम, ठीक है, इतना ले लिया, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ा टाइम लाइन कम ही रखनी है, 8 सेकेंड का काफ़ी रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर हम लेयर पर जाकर टैक्स पर जाएंगे, ठीक है। टैक्स पर लिखेंगे हम चालाक किसान, सॉरी चालाक किसान चिकन वाला, चालाक चिकन वाला, ये हमने लिख दिया। अब इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, कलर देके पहले रेड ब्लैक जो भी आपको पसंद है वो दे देना आप, ठीक है। यहाँ पर चालाक किसान लिख दिया हमने, चिकन वाला लिख दिया, इसको फॉन्ट दे देते हैं हम, फॉन्ट जाएंगे बोल्ड में, रोबोट बोल्ड वाला फॉन्ट दे देंगे इसको। इसकी टाइम लाइन भी आपको इसके अकॉर्डिंग कर देनी है। इतनी आपने टाइम लाइन कर दी। अब हम जाएंगे लेयर पर जाके हम पेड़ पौधे ले लेंगे, जो पेड़ पौधे इनमें लग रहे होंगे वो पेड़ पौधे लगाने के लिए ले लेंगे हम, ठीक है। आप कोई से भी ले सकते हो, हम आपको दिखा देते हैं हमारे पास है, जो सारे आइटम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे लिंक में आपको मिल जाएगा वो आइटम, ये जो पेड़ हम ले रहे हैं सारे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। इस तरह से प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले पौधे पर, उस वाले ट्री पर आके आपको यहाँ पर टाइमलाइन को बढ़ा देनी है, दोनों के टाइमलाइन को बढ़ा देनी है, इतना टाइमलाइन को ये चेंज कर देंगे,
ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर आप करोगे क्रोमा की लगा लोगे, यहाँ पर क्रोमा की कह रहा हूँ की फ्रेम लगा लोगे, की फ्रेम लगा के आपको इस तरह से अंदर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस तरह से आपको यहाँ पर रिप्लेस करके इस तरह से इसको यहाँ पर रिप्लेस करना है। इतना हो गया, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी वीडियो लग रही है, हमारी वीडियो इस तरह से लग रही है ताकि स्लो स्लो हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें सेम ही इट इज़ हमें क्या करना, मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाके डाउनलोड पर हमारे एक पक्षी को ले लेंगे, कोई भी एक्स वाई जेड आपके पास कोई भी हो वो ले लेना, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ये हमने कोयल ले लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको कोयल ही रहने देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से छोटा साइज कर देंगे और डुप्लीकेट कर देंगे 3 times। ठीक है, इस तरह से 3 times हमने डुप्लीकेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके एंड पॉइंट में जाके एक को की फ्रेम देना है, इस तरह से की फ्रेम दे दोगे, सेकंड को की फ्रेम दोगे इस तरह से, ठीक है, थर्ड वाले को की फ्रेम दोगे इस तरह से, आपने दे दिया फ्रेंड्स। आप दिखा देते हो आपको किस तरह से लग रहा है ये। ठीक है, इस वाले को की फ्रेम लगानी है शायद ये, तो इसको यहाँ पर लगा के की फ्रेम लगा देते हैं और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, की फ्रेम लगा दी हमने, आप देख सकते हो आप किस तरह से ये पंछी उठ रहे हैं, किस तरह से ये हमारा स्लाइड हो रहा है, किस तरह से हमारा बेहतरीन वो लग रहा है इंट्रो में, यहाँ काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अब इंट्रो भी हम डाउनलोड कर लेंगे, इंट्रो भी हम डाउनलोड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा इंट्रो भी डाउनलोड हो गया। अब हमारा बीच का पार्ट रह गया जो रामू वॉक करके अपने, इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था, हमारा बैकग्राउंड था, सॉरी करा, एक रास्ता था जो जा रहा था, वो कौन सा रास्ता है हम ले दिखा देते हैं आपको, जो हमें यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम मीडिया पर जाएंगे और वही रास्ता ले लेंगे जहाँ पर हमें रास्ता लेना था वो। ठीक है, ये हमारा रूट है, ये हमने रूट ले लिया। अब हम इसके लेयर पर जाएंगे, लेयर पर जाके वॉकिंग वाला कैरेक्टर को ले लेंगे, ये वॉकिंग वाला कैरेक्टर है, इसको ले लेंगे हम। इसको क्रोमा की पे जाके थोड़ा क्रॉप कर लेंगे, क्रॉपिंग पे जाके इस तरह से क्रॉप कर लिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, और क्रोमा की पे जाके इसको अनेबल कर देंगे, इस तरह से अनेबल कर दिया, तो थोड़ा सा साइड इसका बड़ा छोटा रखेंगे ताकि ये दिखाई दे दूर से आता हुआ, और इसका थोड़ा टाइमलाइन बढ़ा देंगे ताकि हमको अच्छा लगे यहाँ पर जाते हुए। ठीक है, इसको की फ्रेम दे देंगे यहाँ पर, की फ्रेम देके इसको यहाँ पर जाके इसको नीचे भेज देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से इतना स्प्लिट कर देंगे, यहाँ से स्प्लिट कर देंगे इसको राइट साइड, स्प्लिट कर दिया। अब आपको दिखा देते किस तरह से ये जा रहा है। अब इसको वॉइस को हम थोड़ी कम कर देंगे मिक्सर पर जाके, आप देख सकते हो किस तरह से जा रहा है ये जा रहा है मीट शॉप के वाले के पास। ठीक है, अब जो हमने डाउनलोड करा था वो हम मीडिया पर जाके, सॉरी लेयर पर, सॉरी मीडिया पर जाकर हम वो काइनवास्टा वाला ले लेंगे, ये वाला, यही था सेम हमारा। अब आपको सारी वीडियो दिखा देता हूँ मैं किस तरह से हमारी वीडियो बनी है, ये हमारी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, ये हमको स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी बेहतरीन तरीके से हमारे पेट भी स्लाइड हो रहे हैं, पंछी भी उड़ रहे हैं और हमारा इंट्रो भी शो हो रहा है। अब रामू जा रहा है, रामू इनका नाम जो भी है, वो जा रहे हैं अपने चिकन वाले के पास जो इन्होंने फ्रॉड कराया इनके साथ, उसके पास गए और यहाँ पर आके बहस करने लगे कि तुमने मुझे गलत चिकन दे दिया, मैं सारे गांव वालों को बता दूंगा। आपको वॉइस किस तरह से देनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम देंगे इसमें ऑडियो पर जाके पंछियों की आवाज़, सॉन्ग पर जाएंगे, ये पंछियों की आवाज़ भी आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो बर्ड साउंड पर जाएंगे हम, बर्ड साउंड ये रहा, ये बर्ड साउंड ले लिया हमने, बिना कॉपीराइट वाला लेना आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का आपको जाके स्प्लिट कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ से जाके यहाँ से स्प्लिट कर देंगे थोड़ा सा, ये स्प्लिट कर दिया,
और इसकी वॉइस को थोड़ा सा वॉल्यूम एनेबल अप कर देंगे ताकि कम सुनाई दे हमारा बैकग्राउंड बोले तब। इस तरह से हमने कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम वॉइस लगाएंगे यहाँ पर आके, जो हमने वॉइस बना रखी थी 11 लैब से। ये हम जाएंगे लैब में, डाउनलोड में जाएंगे, अब वॉइस सुन लेते हैं हम कहाँ पर हमारी वॉइस। ये वॉइस भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्क्रिप्ट में जाके वहाँ से ले सकते हो आप। सोलापुर गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। रामू, तुम्हारी दुकान का मीट बहुत ही ठीक है, इतना हुआ, अब दिखाते हैं। सोलापुर गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था, उसकी एक चिकन शॉप थी और वह बहुत ही ये म्यूजिक थोड़ा अच्छा लगा नहीं मेरे को, तो म्यूजिक कोई और लेंगे हम। ठीक है, म्यूजिक सही से बज नहीं रहा, ये वाला लेंगे। ठीक है भाई, ये वाला ले लिया हम, देखते हैं अब कितना प्यारे से बजता है ये। सोलापुर गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था, उसकी एक चिकन शॉप थी और वह बहुत ही चालाक था। जो शाम को चिकन बच जाता था वह वहीं अपने फ्रिज में रख देता और अगले दिन उसी को निकाल कर बेच देता था। रामू कई दिन इसको भी यहाँ तक हम अनेबल कर देंगे, सॉरी स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ तक स्प्लिट कर दें, राइट स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर से वॉइस लेंगे, रामू बैस कर रहा है उससे वाली वॉइस लेंगे। ठीक है, एल्बम पर जाएंगे, डाउनलोड पे, सारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी हम आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, आइटम यूज़ कर रहे हैं, सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रामू तुम्हारी दुकान, ठीक है ये देख सकते हो जो बहस कर रहा है। अब आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, मैं आप कुछ बोलूंगा नहीं, अब आप सुन लेना किस तरह से हमारी वीडियो बनी है। सोलापुर गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था, उसकी एक चिकन शॉप थी और वह बहुत ही चालाक था। जो शाम को चिकन बच जाता था वह वहीं अपने फ्रिज में रख देता और अगले दिन उसी को निकाल कर बेच देता था। रामू कई दिनों तक रामू तुम्हारी दुकान का मीट बहुत ही खराब है, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम फ्रिज में कई दिनों का सामान रखते हो और गांव वालों को पागल बनाते। ठीक है, यहाँ तक आप स्प्लिट कर देना, ये राइट स्प्लिट कर देता हूँ मैं, और थोड़ी सी इसको टाइमलाइन बढ़ा देता हूँ मैं, इसकी भी टाइमलाइन बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि ये वॉइस थोड़ी सी अच्छी लगे। रामू कई दिनों तक ऐसा करता रहा। रामू तुम्हारी दुकान का मीट बहुत ही खराब है। ठीक है भाई, तुम्हें अब आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना ये वीडियो, और हमारी वीडियो बनकर कम्प्लीट हो चुकी है, तो इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से ये वीडियो बनाई है, वीडियो काफी बेहतरीन बनी है। अगर आपको इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।